बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो एंड व्लॉग्स। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मस्जिद में, जामिया मस्जिद में महफिल मिलाद है, तो मैंने सोचा कि चलो एक तो आपको मस्जिद की ज़ियारत करवाते हैं और उसके बाद आपको माशाल्लाह एक बड़ी सजाई हुई है मस्जिद, अंदर का रिव्यू भी आपको चेक करवाते हैं, तो आपको चेक करवाते हैं जनाबे वाला। चलो चलते हैं। ये रही जनाबे इंटरेस्ट और ये चेक करें, माशाल्लाह जी क्या बात है, क्या बात। ये बाहर के एरिए जनाब, अभी इशा की जो है ना नमाज वो हो चुकी है, तो अभी थोड़ी देर में महफिल मिलाद वो शुरू होगी। तो मैं हर महफिल मिलाद तो है नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि मुझे घर में काम है, इसलिए मैं चला जाऊँगा। तो मैं स्पेशली सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि मेरा व्लॉग देखते हैं स्पेशली, तो मैंने सोचा कि चलो उन दोस्तों के लिए वीडियो बना देता हूँ कि उन्होंने आज मस्जिद को कैसे सजाया है, आज महफिल है। तो अंदर भी आपको जाके चेक करवाता हूँ अंदर के क्या इंतज़ाम है। तो अभी माशाल्लाह जमात हो चुकी है और नमाज भी हो चुकी है, तो नमाजी हजरात अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं अंदर और अंदर के नज़ारे भी आपको चेक करवाते हैं जनाबे वाला। तो ये नमाजी भी बैठे हुए हैं, ये लाइटिंग असल में आपको नज़र आ रही होगी आगे पीछे हो रही है, अभी ठीक हो गया क्योंकि आगे ना वो थोड़ा ना वो चमक रही थी क्योंकि वो पिक्सल की वजह से, तो अभी पिक्सल तो थोड़े कम हो गए हैं लेकिन ना लाइटिंग वो आगे पीछे नहीं होगी, चमकेगी नहीं, तो हो सकता है कि थोड़ी वीडियो थोड़ी स्टक हो के चले। हाँ ये ठीक हो चुका है, अभी अभी आपको लाइटिंग जैसे हुई है वैसे ये नज़र आएगी। चलो अंदर चलते हैं और ये चेक करें अंदर का नज़ारा, माशाल्लाह क्या बात है जी। ये चेक करें, गुसल वगैरह आ चुके हैं और वो सामने स्टेज वगैरह सज चुका है। मस्जिद हमारी वैसे ही माशाल्लाह खूबसूरत है, तो इसलिए ऐसा कोई इशू है ही नहीं सजाने का, लेकिन बाकी फिर भी उन्होंने बहुत शरा सजाई हुई है। ये चेक करें, थोड़ी देर पहले जमात वगैरह हो चुकी है और नमाज भी अदा कर, इसलिए भी बच्चे सारे आ चुके हैं और अभी जब महफिल का जब शुरू हो जाएगी तो फिर सारे अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। मस्जिद में मोस्टली ये जगह तो सारी हो ही जाती है सामने का, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी, तो ये वूफर वगैरह तो लगे हुए हैं काफ़ी सारे, अभी साउंड वगैरह, तो अभी वो सामने हाफिज़ साहब बैठे हुए हैं, नकाबत भाई यजमान साहब करेंगे, तो इश्तिहार है आपको बता देते कि कौन कौन कारी हजरात और नात खवान साहब आ रहे हैं, तो बाकी कोई मसला नहीं। वो तो जनाब हमारे कारी साहब वो तलावत कुरान पाक करेंगे और बच्चे फुल जोश खरोश में बैठे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों ने साउंड वगैरह माशाल्लाह पड़े हुए हैं, स्टेज वगैरह वैसे ही माशाल्लाह ज़रूरत नहीं है ऐसा जाने की, आप देख सकते हैं। तो चलो बाहर से भी आपको जाके चेक करवाता हूँ एक बार, नज़ाकत साहब बैठे हुए हैं वो चेक करो। ये चेक करें माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है। पाक का आवाज हो चुका है, थोड़ा सा साउंड वगैरह भी आपको चेक करवाती हूँ। खोलो जी खोलो खिड़कियाँ, बिस्मिल्लाह। ये हमाम मस्जिद साहब सवारी, हाफिज़ साहब और हमाम मस्जिद साहब
नहीं सरकार तुसी पहला नहीं महफिल का जो आगाज है वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जमान साहब को सामने आपको नजर आ रहा है इस महफिल में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद हुसैन रिज़वी आप अपने बयान नाल बहुत सारा शुक्रिया भी अदा